नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर नीतीश कुमार ने हिट किया, और हिट एनडीए सरकार नहीं हुई, हिट भाजपा नहीं हुई, हिट डायरेक्ट नरेंद्र मोदी होते हुए दिखाई दिए। क्या कहा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जिससे मोदी का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज आप जब देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा। आज नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूरे कैंपस का ओपनिंग था, उसकी शुरुआत थी, और उसकी शुरुआत के उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री गए, क्योंकि उन्हीं के हाथों से था नालंदा में। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रधानमंत्री के पहले, प्रधानमंत्री अंतिम बोलते हैं, उसके पहले जितने लोगों को बोलना होता तो बोलते हैं। चुनाव के दौरान भी हमने देखा होगा कि नीतीश कुमार पहले बोलते थे और इतना कुछ बोल जाते थे, इतनी सारी योजनाओं का क्रेडिट खुद लेते थे कि प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता था कि मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं। फिर अंत में ये होने लगा कि प्रधानमंत्री ने बैन ही कर दिया कि नीतीश जी नहीं हमारे प्रोग्राम में आएंगे, फिर नीतीश जी नहीं जाने लगे। बहुत सारे विवाद उस समय भी है और समय समय पर हम आपके बीच में उसको लाते भी रहे हैं। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम था, अब केंद्र में भी सरकार बन रही है, राज्य में भी सरकार बन रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे वहां पे, वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो जाएंगे, जाएंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर पहले बोलेंगे। और नीतीश कुमार ने आज बोलते हुए पूरा बात बता दी और बेलाग बोले हो, और उन्होंने क्या कहा ये आप पहले सुन लीजिए। आपको बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया, और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। सुना आपने, और आपने वो चित्र भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी उनके तरफ देख के हाथ मल रहे हैं, क्योंकि नीतीश ने बेलाग बेदाग तरीके से बोला और क्रेडिट दिया कांग्रेस सरकार को। उन्होंने कहा कि हमने बार बार बोला, लेकिन सरकार यूपीए की थी, लेकिन पहली बार नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का बिल यदि लोकसभा में लाया तो यूपीए सरकार ने लाया। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने उनको जमीन दी, उसके बाद उन्होंने कुछ उनको पैसा दिया, और फिर लगातार काम चलता रहा। उसके बाद दो जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर कुछ पैसा अलॉट हुआ और फिर काम बन गया, और आज आप आए, बहुत अच्छा किया आपने आया। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये कंसेप्ट ही अब्दुल कलाम जी का था। उन्होंने कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था यहाँ पे, ये वो शिक्षा की जगह थी जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग उस जमाने में आते थे, जहाँ आवागमन के इतने साधन नहीं थे, पूरे दुनिया से लोग वहां स्कॉलर्स आते थे और पढ़ते थे। आज वो खंडर हो गया है, क्या हम उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते क्या? आज कम से कम वहां 16 देशों के 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ऐसे स्वयं आज मुख्यमंत्री बता रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब ये कहा, इसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को या यूपीए सरकार को दिया, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के कैरेक्टर के साथ ठीक नहीं बैठता। मोदी जी को आदत है सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने का। मोदी जी मंगलयान भी गया तो मोदी है तो मुमकिन है के ही नारे लगते, जबकि मंगलयान की शुरुआत उस साइकिल पे लेके जाने वाले रॉकेट से हुई थी, जो पहला रॉकेट टेस्ट किया गया था, और वो जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना थी कि एक स्पेस साइंस का अलग एक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद लगातार हम तरक्की करते रहे, और अंतिम उसका जो स्वर्णिम जो समय था वो था, सबसे कम खर्चे में, समय कम समय में हमने मंगलयान मंगल पे भेजा। तो ये जो मंगलयान वहां पे गया, तो मंगलयान का सारा क्रेडिट
इन्होंने लिया। ऐसे कई चीजों के क्रेडिट, मतलब कई लोग तो ये कहते कि 2014 से देश को आजादी मिली, आजादी तक का क्रेडिट लेने की आदत है क्योंकि मजबूरी है, ये उनकी आदत बन चुकी है, जानबूझ के भले ही नहीं करते होंगे। और शायद वो तब भी कहते कि ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी कल्पना ही बीजेपी ने किया मेरे समय की, और जब गुजरात का कोई नाता जोड़ते कि गुजरात में पहली बार नालंदा का क्या हुआ। लेकिन उस सारे मंसूबे पे पानी फेर दिया जब नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि ये बिल यूपीए सरकार के समय पारित हुआ, ये कंसेप्ट ही उनके समय आया, हमने बहुत उसके पीछे लगे, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जमीन हस्तांतरित कर दी तो उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ 1947 से लेकर आज तक विभिन्न सरकारें आई और सरकारें गई, इस देश में ऐसी एक भी सरकार नहीं है जिस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हर सरकार ने अपने तरह से कुछ ना कुछ काम किया, कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया, भले ही वो फेल हो लेकिन कुछ करने का प्रयास तो किया है। लेकिन 2014 के बाद ही हम सुनने लगे हैं कि इस देश में 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। और इसी परंपरा में आज नालंदा का भी भाषण वही होना था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पहले ही बिछा ऐसे बिछा दी कि जिस चौरस पर अब कोटियां फेंकना मजबूरी हो गई थी मोदी जी की, इसलिए अब कोई नकारेगा नहीं यूपीए सरकार का नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कोई योगदान है। ये डायरेक्ट हिट है, और ये डायरेक्ट हिट किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। और हम तब से कह रहे हैं कि जब से नतीजे आए, नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन के है, वो बार बार कहते हैं कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जब भी कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुरंत चले गए, वो एक इंडिकेशन देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा इसका मतलब जाने की तैयारी में हूं। इस बार भी बोले कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार का समर्थन करने के बाद, प्रधानमंत्री जी की शपथ होने के बाद जो घटनाएं बिहार में हो रही है, तो जो इरेटिक बिहेवियर, जो बाकी लोगों को लगता होगा लेकिन वो नॉर्मल बिहेवियर है नीतीश कुमार का, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बिहार में सब कुछ शांत नहीं। और आज जो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस का लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने जो कहा वो सीधा डायरेक्ट हिट था, और वो डायरेक्ट हिट नरेंद्र मोदी जी को था, वो तमाम अन्य भक्तों के लिए था जो कल से उदो उदो यानी जय जयकार करने लगेंगे कि देखिए ये विश्व गुरु है, सबसे बड़ा विश्व का जो लर्निंग सेंटर था जो यूपीए की सरकार में बर्बाद हो गया था, कांग्रेस ने 65 साल के राज्य में कभी उसका भला नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने आज उसकी पुनर्निर्माण किया, पुनर्जीवित किया उसे, और फिर वही पुराना इतिहास, पुराना राष्ट्रवाद, फिर राष्ट्र क्या कहेंगे उसको, कल्चरल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस सारी चीजों की भीड़ लग जाती है। लेकिन नीतीश के एक भाषण ने इन सब पे पानी फेर दिया, इसलिए मैंने कहा कि आज डायरेक्ट हिट में सीधा हिट किया है नीतीश कुमार जी ने, और हिट किसको किया है तो सीधा लगा मोदी जी को। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज उस वीडियो में भी आपने देखी होगी। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।